अपनी जमीन के कागजात के लिए पटवारी से लेकर तहसील कार्यालय तक दर दर भटकने वाले जमीन मालिकों और किसानों के लिए हरियाणा में सबसे बड़ी राहत मिलने जा रही है। प्रदेश में जमीन का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन होने जा रहा है। रविवार के दिन सूबे के मुखिया मनोहर लाल मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड सिस्टम का उद्घाटन करने जा रहे हैं। हिसार जिले में भी इसको लेकर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। लोग अपना रिकॉर्ड निकलवाने के लिए इधर से उधर भटकते रहते हैं, कई बार उनका रिकॉर्ड मिलता भी नहीं है और उनको पता भी नहीं लग पाता। अब सब कुछ, सारा जितना भी रेवेन्यू का रिकॉर्ड है वो अब ऑनलाइन हरियाणा वासियों को मिला करेगा और हर एक गांव की जो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड है, उनकी पुरानी जमाबंदियां हैं, मसावी हैं, उन सबको हम ऑनलाइन कर रहे हैं। और जैसे ही एक क्लिक के माध्यम से ये सारा रिकॉर्ड लोगों को मिल जाया करेगा, जिनके बहुत पुराने केसेस चल रहे हैं, जिनके ज़मीन के आगे विरासत के केसेस वगैरह पेंडिंग हैं, उन सब लोगों को इससे बहुत राहत मिलेगी। और आगे भी जो ज़मीन के मामलों में कई प्रकार के लोगों के साथ गड़बड़ी हो जाती है, उसमें भी रोक लगेगी। ये मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड सिस्टम न सिर्फ जमीन से जुड़े सदियों पुराने रिकॉर्ड को आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ले आएगा, बल्कि इस मैनुअल रिकॉर्ड को भी दशकों तक पूरी तरह सुरक्षित रखने की तैयारी हो चुकी है। पहले हम लोग का हुआ करता था कि हम लोग फाइलें निकालते थे, बस्ते से निकालते थे, अभी उसको GMB में कन्वर्ट किया गया और GMB में जितनी भी फाइलें हैं उनको बारकोड लगाई गई है। बारकोड के बाद एक बॉक्स बारकोड दिया गया है ताकि हम उसको इजी वे में ड्राफ्ट कर सकते हो, उसको इजी वे में निकाल। उसके बाद हम लोग एक इसमें रैक बारकोड लगाए हैं ताकि ये बक्सा को और उस फाइल को ढूंढने में इजी हो। हम लोग किसी साल का जमाबंदी और इंतकाल वगैरह अगर ढूंढते हैं तो उसको ढूंढने के लिए हम लोग अगर सिस्टम में डालते हैं, जैसे 2011-2012 का हमें चाहिए डॉक्यूमेंट, तो वो हमको बताएगा कि इस बक्से में जा करके इस ये फाइल नंबर है, ये बक्सा और ये हमारा रैक बारकोड है, ताकि हम इजी वे में पूरे रैक बारकोड को ना ढूंढें, हम सिर्फ उसी रैक बारकोड को जाए जहाँ पर मेरा बक्सा और डॉक्यूमेंट रखा हुआ, इजी वे में हम रिट्रीव कर सकते हैं। अब ये तो आप बखूबी समझ सकते हैं कि अंग्रेजों के जमाने का लैंड रिकॉर्ड अगर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध होगा तो तहसील कार्यालय में भ्रष्टाचार के लिए भी फिर कोई जगह नहीं बचेगी। सोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार ब्यूरो।